कैसे आप सभी, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे SCERT द्वारा दी गई वर्कशीट, दिनांक 11 फरवरी 2022, क्रमांक संख्या है 22। आज की कार्य पत्रिका क्लास 4 की है। यहाँ पर ए बी सी जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा, ये पठन अभियान है। वीक 4 थीम है माय कंट्री। यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर टीचर का नाम। तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए वर्कशीट करने आ दी गई है। वर्कशीट में हमारी नदियां शुद्ध पानी का एक प्रमुख स्रोत है। ये खेतों की सिंचाई में भी मदद करती है, जिससे किसानों को खेती करने में सुविधा होती है। नदियों में कई सारे वनस्पति जीवन शुरू होते हैं और विभिन्न प्रकार के जीव जन्म लेते हैं। नदियों में उन्हें रहने के लिए अपना बड़ा जल स्रोत दे रखा है। अब तो नदियों में कई खेल भी खेले जाते हैं, जैसे सी वॉलीबॉल और कैचिंग ऑन वाटर इत्यादि। भारत की प्रमुख नदियों की औसतन लंबाई नीचे तालिका में दी गई है। तालिका को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, हमारी जो नदियां हैं वह शुद्ध पानी का प्रमुख स्रोत हैं, मुख्य स्रोत हैं। ये खेती में किसानों की सिंचाई में मदद करती है और नदियों में कई तरह के वनस्पति जीवन शुरू हुए हैं और विभिन्न प्रकार के जीव भी जन्म लेते हैं, जैसे मगरमच्छ, मछलियां आदि नदियों में रहते हैं, जिन्हों नदियों ने इन्हें अपना बड़ा सा जल स्रोत दे रखा है। और नदियों में आजकल खेल भी खेले जाते हैं, जैसे सी वॉलीबॉल और कैचिंग ऑन वाटर। ये सब गेम नदियों में खेले जाते हैं। भारत की प्रमुखता नदियों की औसतन लंबाई नीचे दी गई तालिका में बनाई गई है। चलिए देखते हैं, तालिका को पढ़कर उनसे संबंधित प्रश्न के उत्तर देते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? क्रमांक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और भी है नीचे बच्चों, नहीं 8 है। चलिए और यहाँ पे देखिए, नदी दी गई है गंगा, गोदावरी, यमुना, नर्मदा, कावेरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती। यहाँ पे नदियों की लंबाई किलोमीटर में है। क्या आप जानते हैं? अब यहाँ पे देखिए, गंगा नदी जो है वो कितनी है? 2525 मीटर लंबी किलोमीटर, और यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। गोदावरी नदी 1464, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और यमुना जो है वो 1376 जो विश्व के 7 अजूबों में से एक, ताजमहल और हमारा शहर दिल्ली इसी नदी के किनारे बसा है। जो ये यमुना नदी कहाँ है? ताजमहल से होकर गुजरती है और दिल्ली के किनारे बसा हुआ, दिल्ली भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ, यमुना नदी के। और यह नर्मदा, ये 1312, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कावेरी 800 किलोमीटर, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और ये महानदी 890, यह नदी पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमाओं को निर्धारित करती है। और ब्रह्मपुत्र 916, इस नदी पर देश का सबसे लंबा पुल ढोला सादिया है, जो दो राज्यों यानी असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। और आठवां है हमारी ताप्ती। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर है, ये सिल्क सिटी सूरत इस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे जो सिल्क सिटी हमारी सूरत है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, क्या दिया हुआ है। प्रश्न 1, किन दो नदियों की लंबाइयों का योग अधिक होगा? महानदी और ताप्ती नदी, गोदावरी और यमुना नदी। तो किसका योग है पहले देख लेते हैं। महानदी कितनी है? महानदी है 890। महानदी की लंबाई थोड़ा सा मैं इधर कर देती हूँ बच्चों, ताकि बताने में इजी हो। महानदी की लंबाई है 890, और जो ये देखिए यहाँ पे ताप्ती दी गई है, ताप्ती की कितनी है? यहाँ पे 890 महानदी है और ताप्ती है 724।
तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ 1, 12, 11 और यहाँ पे हासिल देंगे तो आ जाएगा 16, 1614। ये इसकी लंबाई है, इन दो नदियों का योग है। ठीक, अब आगे देखते हैं गोदावरी और यमुना का, गोदावरी और यमुना का ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिखा दूं मैं। ये रहा गोदावरी और यमुना, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, यहीं पे जोड़ लेते हैं, ये है यहाँ पे 6 4 10 0, हासिल लगे 1 6 7 7 14, यहाँ पे 4, हासिल लगेंगे 1 7 3 4 3 7 1 8 8, और ये 1 1 2, यानी 2840। तो सबसे ज़्यादा किसका योग है बच्चों, यहाँ पे लिख लीजिए उत्तर गोदावरी, गोदावरी और यमुना। यमुना नदी, ठीक, गोदावरी और यमुना नदी, इन दोनों नदियों का योग सबसे ज्यादा है। अब चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। गंगा नदी यमुना नदी से कितनी लंबी है, यहाँ पे भी गंगा और यमुना, तो दोनों को देख लेते हैं। यमुना हमारी है, सॉरी, गंगा की लंबाई है, यहाँ पे कर देते हैं 2525, और यमुना की लंबाई है 1376, यहाँ पे। अब दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए 5 में से जोड़ देंगे, कितनी लंबी है घटाना है, तो 5 में से 6 नहीं जा सकता, तो इसमें एक भाग, इसमें एक लेंगे तो ये बन जाएगा 15, 15 में से 6 गए 9, फिर ये बन जाएगा 11, 11 में से 7 गए 4, उसके बाद यहाँ बच जाएगा 4, 4 में से 3 गए 1, और यहाँ पे 2 में से 1 गए 1, तो कितनी लंबी है 1149 किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर लिखिएगा बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न 3, ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा नदी की लंबाई में कितना अंतर है, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। चलिए ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है और नर्मदा की, नर्मदा है, पहले देख लेते हैं, नर्मदा है 1312 और ब्रह्मपुत्र है 916, तो चलिए इन दोनों को भी घटा देते हैं, तो 1312 और 916, तो इन्हें घटा देना है। ये देखिए यहाँ पे 2 से 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो 6 में 12 में से 6 गए 6, और फिर हमने इससे एक लिया था तो ये बना था 11, तो ये हो जाएगा इधर 10, ठीक, तो 10 में से 1 गए 9, और यहाँ बचा 12, 12 में से 9 गए 3, तो 396। तो कितनी लंबी है, लंबाई के अंतर है 396 दोनों नदियों के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, प्रश्न 4, प्रश्न 4 क्या है, कौन सी नदी कावेरी नदी से 90 मीटर अधिक लंबी है। तो यहाँ पे देखिए कावेरी ऊपर दिया गया बच्चों,
ये देखिए, ये कावेरी और ये महानदी। ये कावेरी है 800 किलोमीटर, उससे कौन सी नदी 90 मीटर लंबी है? तो ये देखिए 800 के बाद ये 90 है, तो यहाँ 890, तो महानदी, यहाँ पे महानदी आएगी। यहाँ महानदी जो है वो सबसे लंबी है, 90 मीटर लंबी है इससे। चलिए आगे देखते हैं। नोट फॉर टीचर, द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि नदियों तथा अन्य जल स्रोतों को प्रदूषण से मुक्त रखने की आवश्यकता तथा उनके विभिन्न तरीकों के विचारों पर बच्चों से बातचीत कीजिए, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, बोतल और आदि नदी या उनके किनारे ना फेंकें। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी बाहर निकले बच्चों मास्क ज़रूर लगाएं। कोरोना को हराना है तो मास्क ज़रूर लगाना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वर्कशीट आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।